अ वेरी स्वीट प्लीजेंट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली 6.2 करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है आकृति 6.17 एक नंबर और दो नंबर भी क्वेश्चन इसी में दिया है। डी समानांतर बी सी है, एक में ई सी और दो में एडी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग निकालते हैं, इसमें दो ठो मान निकालना है। सबसे पहले एक नंबर आप लोग फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको क्या निकालना है। तो देखिए इसमें आपको ई सी का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, आपको जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले दिया है आपको यह एक का एक नंबर है, क्या दिया है एडी का मान दिया है 1.5। तो लिख लेते हैं एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा तो डी बी का मान, बीडी का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो बीडी बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। आगे देखिएगा तो इसमें दिया है एई का मान 1 सेंटीमीटर है, तो एई यहां से 1 सेंटीमीटर ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आपको ईसी का मान निकालना है, ईसी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईसी बराबर वाट, यही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया क्या है, डी समानांतर है बीसी के, ओके लिखेंगे। चूंकि डी समानांतर है बीसी, डी ई समानांतर है बीसी, तो यह देखिए जब एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है तो वह क्या होता है, इसको ऐसे थेल्स प्रमेय के अनुसार यह क्या करेगा, एडी बाटा बीडी और एई बाटा ईसी में बांट देगा, ओके। तो लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय 6.1 के अनुसार, एक के अनुसार आप लोग थेल्स प्रमेय सिद्ध करवाया है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एडी बाटा बी डी हो जाएगा और एई बाटा ईसी हो जाएगा। एडी बाटा बी डी बराबर एई बाटा ईसी। चलिए यहां से अब इसका मान रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडी का मान आप लोगों को पता है 1.5 है, तो यहाँ से 1.5 रख देंगे। और बी डी का मान देखिएगा तो 3 दिया है, तो यहाँ से 3 रख देंगे। और यहाँ से देखिएगा एई का मान कितना दिया है, तो एई का मान आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया है। ईसी का मान नहीं पता है, यह आपको निकालना है ईसी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में इतना से तो इतना ही आएगा। चलिए ईसी 1.5 ईसी, ओके। और फिर इससे 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसी को हम लोग रोक लेंगे और 1.5 है गुना में बराबर के उस पार चला जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में लिख देंगे 1.5। तो यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो दशमलव के बाद में देखिए यहाँ पे कितने अंक है, दशमलव है यहाँ पे। चलिए दशमलव उड़ा देते हैं तो दशमलव के बाद में कई गो अंक है, एक गो अंक है, तो एक ठो जीरो ऊपर उतर जाएगा। अब ये आपका आ गया, ये आ गया कितना 30 बट्टा में 15, तो ये कट जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30। इसलिए ईसी का जो मान आ गया कितना आ गया, तो ईसी का मान आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। तो चलिए यह आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग दूसरा नंबर यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि एडी का मान निकालना है। देखिए आपको दिया है बीडी का मान 7.2 सेंटीमीटर, एई का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ से ईसी का मान दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक का दो नंबर है, यहाँ एक का दो नंबर, चलिए लिखेंगे दिया है, जो चीज दिया है उसको उतारेंगे हम लोग। तो यहाँ से बीडी का मान दे रखा है आपको 7.2 सेंटीमीटर और एई का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या दिया है, तो ईसी का मान दे दिया है, कितना दिया है तो 5.4 सेंटीमीटर आपको निकालना है। यहाँ पे एडी का मान, एडी बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी डी समानांतर है बीसी के, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी समानांतर है बीसी, इसीलिए
प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 और 6.2 हमने सिद्ध करवा रखा है। आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। प्रमेय 6.1 के अनुसार देखिए, प्रमेय 6.1 क्या कहता है, यदि दूसरी रेखा के त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर अगर डी हो तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, एडी बटा बीडी, और इधर हो जाएगा ए बटा ईसी। तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसका मान रखते हैं हम लोग, एडी का मान देखिएगा तो नहीं पता है, एडी का मान तो निकालना है, एडी रख देंगे यहाँ से। बीडी का मान आपको पता है कितना पता है, 7.2 पता है। उसके बाद में एई का मान 1.8 सेंटीमीटर है, और फिर ईसी का मान आपको पता है 5.4 है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.1 अंक बाद है और 0.1 अंक बाद है, 0.0 से 0.0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बना देते हैं, चलिए नीचा तो आप लोगों को दिखाई देगा नहीं, यहाँ पे एडी को रोकेंगे हम लोग, एडी को रोकेंगे यहाँ पर। देखिएगा तो क्या पता चल रहा है कि 7.2 है बट्टा में, बराबर के उस बार चला जाएगा गुना में। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ऊपर है 18 और बट्टा में कितना है, तो यहाँ पे आपका कितना दिया 54, और ये 72 जो है क्या चीज में, 7.2 जो है बट्टा में है, बराबर के इस पर आ जाएगा गुना में, तो गुना में लिख देंगे 7.2। देखिए ये चीज हो गया। अब यहाँ से एक स्टेप और सॉल्व कीजिएगा, एडी बराबर, चलिए कटने वाला है तो कटा देते हैं यहाँ से। देखिए ये कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, ओके, और इसको भी काटिएगा, 3 एकम 3 और 24 तिरका 72। 0.2 देखिए यहाँ पर है, तो एक अंक बाद हम लोग भी 0.0 यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना आ गया एडी का मान, 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया है, चलिए बारी बारी से तीनों को हल ज्ञात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या दिया है आपका, पी ई का मान दिया 3.9 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए पी ई का मान हम लोग लिख लेते हैं, या पी क्यू आर त्रिभुज है जिसके समानांतर क्यू आर के समानांतर है ई एफ, ओके। तो यहाँ पे पी ई का मान रख लेते हैं 3.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिएगा तो ई क्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा तो पीएफ का मान भी दे रखा है आपको 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पीएफ का मान 3.6 सेंटीमीटर रख देंगे, और एफ आर का मान देखिएगा तो 2.4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से रखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या चेक करेंगे, पी बटा ई क्यू समानांतर चेक करना है, ई एफ जो है क्यू आर के समानांतर है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, ये चीज होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी बटा, चूंकि पी ई बटा ई क्यू, और उधर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए पी एफ बटा एफ आर, तो पी एफ बटा एफ आर लिखेंगे यहाँ पे एफ आर। आगे इसको मान रखिएगा यहाँ से, तो देखिए पी का मान कितना है 3.9 है, तो 3.9 रख देंगे, ई क्यू का मान देखिए 3 है, तो यहाँ से 3 रख देंगे, पी एफ का मान 3.6 है, 3.6 रखेंगे, एफ आर का मान है 2.4 रख देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, 0.1 अंक बाद 0.1 अंक बाद कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिएगा तो यहाँ पे 3 एकम 3 13 39, यहाँ से 0.1 अंक बाद तो कितना आ गया इधर 1.3 आ गया, और इधर आ गया आपका, ये भी कट जाएगा, देखिए 12 से काटिए 12 दूना 24 12 तेज 36। तो देखिए 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2
और 1.5, ये आपका आ गया 1.5। तो आप लोग बताइए क्या दोनों बराबर है? नहीं है तो लिखेंगे चूंकि चूंकि पी बटा ई क्यू बराबर नहीं है, पी बटा ई क्यू बराबर नहीं है, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, इसीलिए ई एफ समानांतर नहीं है, समांतर नहीं है क्यू आर के, क्यू आर के। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन लिख रखा है, देख सकते हैं आप लोग। दिया है पी का मान 4 सेंटीमीटर, तो आइए लिख लेते हैं यहाँ से पी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ई क्यू का मान 4.5 है, तो यहाँ से 4.5 लिख देंगे यहाँ से। अब आगे देखिए, पी एफ का मान है 8 सेंटीमीटर, तो पी एफ का मान 8 लिखेंगे, और एफ आर या आर एफ का मान दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख देंगे। चलिए अब यहाँ से चेक करते हैं, चूंकि पी बटा, देखिए क्या चेक करेंगे यहाँ से, पी बटा ई क्यू, तो पी बटा ई क्यू बराबर यहाँ से पी एफ बटा एफ आर, तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं, पी एफ बटा एफ आर, चलिए यहाँ से मान रखते हैं। पी का मान कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, और ई क्यू का मान कितना है, तो 4.5 है, तो 4.5 रख देंगे यहाँ से। पी एफ का मान 8 है, 8 रखेंगे, और आर एफ का मान 9 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद में एक अंक, तो कैगो जीरो, एगो जीरो, ये कटेगा, 5 9 45, 5 8 40, तो ये भी आ गया आपका 8/9, और बराबर के उस पार भी है 8/9 है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पी बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर, इसीलिए ई एफ समानांतर है क्यू आर। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो बाबू, लास्ट प्रश्न में आप लोगों को दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देखिए, पी क्यू का मान 1.8 सेंटीमीटर है, पी आर के मान 2.56 सेंटीमीटर है, और पी का मान 0.18 सेंटीमीटर है, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर है, तो इसको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू डायरेक्ट पूरा दिया है, ओके, और पी आर, पी आर के मान पूरा दिया है इधर वाला, ओके, और यहाँ पे पी का मान दिया है, पी इतना दिया, और फिर देखिए पूरा दिया है आपको यहां से लेकर यहाँ तक, यहां से लेकर लास्ट तक, यहाँ तक कितना दिया है, वह पी क्यू का मान आपको दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, और पी का मान दिया है 0.18 सेंटीमीटर, पी का मान 0.18, ओके, और देखिए यहाँ पे पी आर का मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर पूरा, यहाँ से पी आर 2.56 सेंटीमीटर यहाँ तक, और इसमें देखिएगा तो आपको पी एफ का मान दिया है 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ 0.36, ओके। तो आपको इसमें देखना है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं, तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले। क्योंकि देखिए, अगर इधर से हम लोग पूरा लेते हैं पी क्यू, तो इधर से पूरा लेना पड़ेगा पी पी आर, और फिर बट्टा में लिखेंगे पी एफ, पी और बट्टा में लिखेंगे पी एफ, तो आइए लिखते हैं, इधर से पूरा लेते हैं पी क्यू, चूंकि पी क्यू बट्टा पी ई बराबर, यहाँ देखिए इधर से भी पूरा लेंगे पी आर, और बट्टा देखिए आधा इधर भी लेंगे पी एफ, तो यहाँ से पी एफ लिखेंगे। चलिए मान रखते हैं इसका पी क्यू का मान आपको पता है 1.28, और पी का मान पता है 0.18, यहाँ से पी आर का मान पता है 2.56,
और पीएफ का मान कितना पता है? 0.36 सेंटीमीटर, 0.36, 0.2 अंक बाद 0.2 अंक बाद ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0.2 अंक बाद 0.2 अंक बाद कैंसिल हो गया। चलिए इसको फर्श में नीचा लिखते हैं, 128 और 18, जीरो का तो वैल्यू नहीं रहता है, इधर हटा देंगे, 256/36। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये कितने से कटेंगे, ये आपको कटेगा। चलिए इसको काट लेते हैं, चलिए यहाँ से 2 से काटते हैं, 9 दुना 18, 2 छक 12, फिर 4 दुना 8, फिर इसको भी कैसे काटेंगे तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं 4 से, 4 9 36, और इसको भी 4 से, 4 6 24, 1 बच गया, 16 बन गया, 4 चौको 64, 16 चौको 64, ओके। चलिए 4 चौको 16 हो गया, ये आप लोग कटा लीजिएगा तो आपका कितना आ गया यहाँ से, 64/9, और इधर भी आया 64/9, दोनों बराबर है तो लिखेंगे, चूंकि PQ/P बराबर है PR/PF, इसलिए EF समानांतर है किसके, QR के। तो चलिए इस तरह भी आपको सॉल्व करना है, और आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर है CB और LN समानांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। तो आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ये मस्ट क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, यहाँ पे दे रखा है, चलिए जो चीज दिया उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे दिया है LM समानांतर CB, दिया है LM समानांतर है CB, चलिए ये चीज दिया है। उसके बाद में क्या दिया है, LN समानांतर CD तथा LN समानांतर CD दिया है। तो आपको सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD, तो सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, तो सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD, यह हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र, यहाँ पे हमने बना रखा है, देखिए क्या चीज दिया आपको। सब पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, LM समानांतर है CB के, LM देखिए LM जो है समानांतर है CB के, ये वाला जो LM है इस CB के समानांतर है, देखिए ऐसे समानांतर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर तो LN समानांतर CD दिया है, यह जो LN है यह किसके समांतर है, CD के समांतर है ऐसे। तो आप लोगों को दिखाना है AM/AB बराबर AN/AD, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि LM समानांतर है CB, देखिए यहाँ पर क्या है, LM समानांतर है CB, ऊपर वाला त्रिभुज में जाइए, ऐसे एक त्रिभुज है, देखिए ये वाला ए वाला ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज ABC में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, AM/BM और इधर से AL/LC या CL बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं AM/BM बराबर इधर हो जाएगा AL/CL, AL/CL। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, तो देखिए इसको सबसे पहले उलट देंगे, तो चलिए उलट देते हैं इसको, यहाँ पर BM ऊपर चला जाएगा और AM आ जाएगा नीचा। तो होता है क्या, अगर एक साइड में उलटते हैं तो बराबर के उस
पार वाला भी उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो चलिए लिख देंगे सीएल ऊपर और एल आ जाएगा नीचा, लिख देंगे यहाँ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। ओके तो चलिए यहाँ से हम लोग अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर इधर एक जोड़ते हैं तो उधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, आपको इसी तरीका से इसको सॉल्व करना है। बीएम बटा एम में हम लोग एक जोड़ देंगे तो इधर भी सीएल बटा एल में एक जुट जाएगा, प्लस एक बटा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं इसके भी बटा में। ओके तो चलिए यहां से आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और देखिएगा तो यहाँ पे एक और एम का एलसीएम कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम से एम में भाग देंगे तो एक आएगा, और बीएम में एक से गुना करेंगे, बीएम एकम बीएम ये आ गया, प्लस एम से एक में भाग देंगे एम आएगा, और एक से गुना करेंगे एम एकम एम आ गया। तो चलिए बराबर इस पर भी देखिएगा तो एल और एक के एलसीएम कितना आ जाएंगे, एल आ जाएंगे। यहां से एल लिख लेते हैं, एल में अगर एल से भाग दीजिएगा तो एक आएगा, और एल में एक सीएल में एक से गुना कीजिएगा सीएल एकम सीएल, प्लस एल से एक में भाग देंगे एल आएगा, और एक से गुना करेंगे एल एकम एल आ गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी एम प्लस एम आया है। देखिए यहाँ पर बी एम प्लस एम किसके बराबर है, बी एम और एम ए बी के बराबर है। देखिए इतना बी एम और एम, इतना प्लस इतना मिलकर के पूरा बन रहा है, आधा प्लस आधा इधर का, तो मिलकर के पूरा बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो बी एम प्लस एम के जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ओके और बट्टा में क्या है, एम है। फिर आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो सी एल प्लस एल, देखिए सी एल प्लस एल तो आधा इतना और प्लस इतना दोनों मिलकर के पूरा बना रहा है ए सी, तो सी एल प्लस एल के जगह पर क्या लिख देंगे, ए सी बटा में है एल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे अब यहाँ से, तो एम चला जाएगा ऊपर और ए बी आ जाएगा नीचा, फिर यहाँ से एल चला जाएगा ऊपर और ए सी आ जाएगा नीचा। ओके तो देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अब यहां से हम लोग क्या कर देंगे, यहां से अब नीचे वाला त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे चूंकि, देखिए क्या दिया है, एल एन समानांतर सी डी है, चूंकि एल एन समानांतर है सी डी, इसीलिए इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल एन समानांतर सी डी सी बी था, या तो एम बटा बी एम बराबर एल बटा सी एल किस प्रमेय के अनुसार हुआ था, प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार। ओके यह आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर भी लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 क्या कहता है, तो वह अगर दो भुजा समांतर हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, भुजाओं के अनुपात समानुपाती हो जाते हैं, एन बटा डी एन, इधर से क्या हो जाएंगे एन बटा डी एन, एन बटा डी एन हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे एल बटा सी एल, एल बटा सी एल। चलिए अब यहां से भी हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ सब में इसको उलट देंगे तो डीएन चला जाएगा ऊपर, डीएन चला जाएगा आपका ऊपर और एन आ जाएगा नीचा, फिर यहाँ से सी एल चला जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा नीचा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों साइड में एक जोड़ देंगे, डीएन बटा एन प्लस वन कर देंगे, इधर भी सी एल बटा एल प्लस वन कर देंगे। चलिए इसके बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं एक और एन का एलसीएम कितना आएगा आप बताइए। हाँ एन आ गया, एन से एन चट हो गया, क्या बच गया, डीएन प्लस, ओके एन में एक से भाग दीजिएगा एन एकम एन, और एन से एक में गुना कीजिएगा एन एकम एन हो जाएगा यहाँ से। ओके
चलिए अभी इधर देखिएगा तो उसी तरह एल और एक का एलसीएम कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, और फिर एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बच गया सी एल प्लस। यहाँ देखिएगा एल में एक से भाग दीजिएगा तो एल एकम एल, और एल में एक से गुना करेंगे तो एल एकम एल आ गया। ओके चलिए अब नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ से हम लोग ऊपर की साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों तो डीएन प्लस एन है, डीएन प्लस एन है, तो देखिए डीएन प्लस एन इतना, देखिए इतना प्लस इतना, तो आधा प्लस आधा मिलकर के पूरा बन रहा है, तो डीएन प्लस एन के जगह पर क्या लिख देंगे, एडी लिख देंगे। ओके तो चलिए यहाँ पे एडी लिख देते हैं हम लोग, और बट्टा में क्या है देखिए तो एन है बराबर। यहाँ से देखिए सी एल प्लस एल है, तो देखिए सी एल प्लस एल मिल करके क्या पूरा बन रहा है, एसी बन रहा, तो बराबर एसी, और बट्टा में लिख देंगे हम लोग। चलिए बट्टा में क्या लिखेंगे, तो देखिए बट्टा में एल है तो एल लिख देते हैं यहाँ से। ओके अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, तो इसको भी पलट देंगे, एन चला जाएगा ऊपर और एडी आ जाएगा नीचा, और एल चला जाएगा ऊपर एसी आ जाएगा नीचा। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसमें देखिएगा तो इसमें भी समीकरण एक और समीकरण दो का दाहिना पक्ष, दाया हाथ वाला पक्ष देखिए, इसमें क्या है एल बटा एसी है और इसमें भी एल बटा एसी है। जब राइट हैंड साइड बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो लिखेंगे यहां से समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा एन बटा ए डी। यही तो प्रूव करना था प्यारे बच्चों, प्रूव यही साबित करना था। देखिए यहाँ पे एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, आकृति 6.19 में डी समानांतर एसी और डीएफ समानांतर एई है, सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा एफई बराबर बी बटा ईसी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको जो चीज दिया है वह लिखेंगे, सबसे पहले दिया है देखिए डी समानांतर दिया है, डी जो समानांतर है किसके हैं एसी के, और फिर डीएफ समांतर है एई, डीएफ समांतर दिया है एई के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें सिद्ध करना है, देखिए इस पर लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चलिए जो चीज सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा इसी, यह चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपको सबसे पहले डी जो है एसी के समांतर दिया है, यहाँ देखिए डीई ये वाला जो भुजा है डीई, यह एसी के समांतर है, इसके समांतर है। ओके और डीएफ जो है डीएफ ये वाला इस एई के समांतर है। ओके तो हम लोगों को साबित करना है बीएफ बटा एफ ई बराबर बी बटा एसी, तो आइए लिखते हैं, चूंकि डी समानांतर है एसी, आपको इस चैप्टर में इसी तरह जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेना होगा, फिर साबित क्या करना है उसको भी लिखना है, पूरा क्वेश्चन समझाना है, फिर उसको आंसर भी समझाना है, इस तरह से इस चैप्टर में करना है। ओके तो इसी तरह आप लोगों को बनाना पड़ेगा। देखिए डी समानांतर दिया है एसी, तो लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय 6.1 के अनुसार, एक के अनुसार प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए
डी समानांतर है एसी, डीई समानांतर है एसी के, तो पूरे त्रिभुज में यहां से देखिए बीडी बटा एडी हो जाएगा और इधर बीई बटा ईसी हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहां से लिखेंगे बीडी बटा एडी बराबर हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा बराबर, तो इधर बीई बटा ईसी हो जाएगा, बीई बटा ईसी, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे फिर दोबारा में क्या चीज दिया है, तो देखिए दोबारा में आपको दिया है डीएफ समानांतर एई है, तो यहां लिखेंगे डीएफ समांतर है एई, डीएफ समांतर है एई, तो चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे आगे, आगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए डी डीएफ समानांतर है एई के, डीएफ समांतर है एई के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीडी बटा एडी और बीएफ बीएफ बटा यहाँ पर हो जाएगा क्या एफ ई। ओके, इधर वाला त्रिभुज में, चलिए तो यहां से लिख लेते हैं हम लोग बीडी बटा एडी बराबर बीएफ बटा एफ ई, चलिए ये तो हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकंड। तो फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण दो से देखिए समीकरण एक और समीकरण दो में क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर बीडी बटा एडी लेफ्ट हैंड साइड देखिए समीकरण एक का बीडी बटा एडी है, और इसमें भी देखिएगा तो बीडी बटा एडी है समीकरण एक और दो का लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण एक और दो से बीई बटा बी बटा ई सी बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा इसके बी एफ बटा एफ ई के। तो देखिए आप लोगों को यही तो साबित करना था, इसको सीधा हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या साबित करना है, बी एफ बटा एफ ई, तो बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, देखिए यहाँ पे इस साइड वाला बी बटा ई सी के, बी बटा ई सी है समीकरण एक का, देखिए तो बी बटा ई सी प्रूव, यही साबित करना था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ से पांचवें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू है और डीएफ समानांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ईएफ समानांतर क्यू आर है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हमने आकृति यहाँ पे बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो डी है ये वाला भुजा ओ क्यू ये वाला भुजा के समांतर है। ओके, और इसमें आपको दिया है डी एफ जो है ये वाला भुजा ओ आर के समांतर है, तो हमको दर्शाना क्या है, देखिए हमको यहाँ पे दर्शाना है ई एफ ये वाला ई एफ समांतर है क्यू आर, यही दर्शाना है, तो आइए दर्शा लेते हैं इसको। सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखेंगे हम, यह क्वेश्चन नंबर पांच हो गया, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो आपको दिया है इसमें डी समानांतर ओ क्यू, चलिए जो चीज दिया है उसको हम लोग लिखते हैं डीई समांतर ओ क्यू तथा डीएफ समांतर ओ आर, तो हमें सिद्ध करना है ई एफ समानांतर क्यू आर, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करना है ई एफ
EF समांतर QR। तो चलिए यहां से अब इसका हम लोग क्वेश्चन तो लिख लिए और समझ लिए और समझा भी दिए, अब यहां से इसका प्रमाण स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग, चूंकि DE समांतर है ओ आर के, ओ क्यू के, डी समांतर किसके है, ओ क्यू के, तो लिखेंगे यहां से, इसीलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है ED समांतर OQ, ओके DE समांतर OQ है, ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है, तो क्या हो जाएगा PE बटा EQ और बराबर PD बटा DO, यह हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, PE बटा EQ बराबर PD बटा OD, यह आपका आ गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, चूंकि देखिए यहाँ पे DE समानांतर है OR, DF समानांतर है OR, DF समांतर है OR। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है DF, ये वाला भुजा DF जो है समांतर किसके है, OR के, इस भुजा के, ये वाला इस वाले की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PF बटा FR और बराबर PD बटा OD। तो चलिए लिखते हैं, PF बटा FR बराबर PD बटा OD, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण दो से, तो यहां पर देखिए समीकरण एक का राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष PD बटा OD है, और समीकरण दो का भी राइट हैंड साइड PD बटा OD है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ऑटोमेटिक यहां से बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P बटा EQ बराबर हो जाएगा किसके, PF बटा FR के, FR, ओके। तो लिख देंगे यहां से प्रमेय 6.2 के अनुसार, थेल्स का विलोम से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.2 के अनुसार। प्रमेय 6.2 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या आया है PE बटा EQ, PE बटा EQ और PF बटा FR, PF बटा FR आया, PE बटा EQ PF बटा FR आ गया है आपका। तो देखिए प्रमेय 6.2 क्या कहता है, अगर एक त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बराबर हो, एक ही अनुपात में हो, तो ये वाला जो भुजा है EF समांतर हो जाएगा QR के, ओके थेल्स के विलोम से। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए EF समांतर QR प्रूव, यही तो साबित करना था आपको। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग छठे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर छठा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी OQ और OR पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर PQ है और ए सी समानांतर PR है, दर्शाइए कि बी सी समानांतर QR। तो देखिए यहाँ पे चित्र भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे दिया है PQ समानांतर AB है, देखिए यहाँ पे ये वाला PQ इस भुजा के समांतर AB है, और उसके बाद में आपको दिया है PR समानांतर है AC, तो हम लोगों को दर्शाना है BC समानांतर QR, यह चीज हम लोगों को दर्शाना है। तो आइए इसको लिखते हैं, जो चीज दिया और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग
पांचवें नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे तो ये भी इजीली बन जाएगा। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो पहला आपका दे दिया है इसमें ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू, और आगे दिया है तथा ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सिद्ध करना है बीसी समानांतर क्यू आर, बीसी समानांतर क्यू आर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ए बी समानांतर पी क्यू है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर पी क्यू, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो चलिए प्रमेय 6.1 क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है। देखिए ए बी समानांतर पी क्यू है, ए बी जो है, ए बी ये वाला भुजा ए बी पी क्यू के समानांतर है, तो इस वाले त्रिभुज में पी ओ क्यू में ऐसे देखिए त्रिभुज बना, एक तो ऐसे ऐसे ऐसे, ओके तो इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ओ ए बटा ए पी और इधर ओ बी बटा बी क्यू। तो चलिए लिखते हैं ए ओ, चाहे ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर दोबारा में देखिए क्या दिया है आपको, तो दोबारा में दिया है एसी समानांतर पी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे एसी समानांतर पी आर, ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है एसी, ये वाला जो भुजा है एसी ऐसे पी आर के समांतर है बड़ी भुजा के, तो इस वाले त्रिभुज में पी ओ आर में देखिए ऐसे त्रिभुज बना है, ये वाला पी ओ आर में देखिए क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ए पी और उसके बाद में ओ सी बटा सी आर। तो चलिए लिखते हैं ए ओ बटा ओ सी, सॉरी ए ओ बटा पी ए, चाहे ए पी लिख देते हैं यहां से, क्योंकि इसके पहले वाला में हम लोग ए पी लिखे हैं, तो चलिए ए पी लिख देते हैं यहां से, बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ सी बटा सी आर। चलिए अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकंड, लिखेंगे यहां पे बनाते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से, तो यहां पर देखिएगा समीकरण एक में क्या है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष समीकरण एक में ओ ए बटा ए पी है और समीकरण दो में ओ ए बटा ए पी है। चलिए ओ ए इधर लिख देते हैं ओ और ए, चलिए ओ ए बटा ए पी है, दोनों सेम है, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो समीकरण का राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बटा समीकरण एक और दो से ओ बी बटा बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटा सी आर के। तो देखिए यहाँ पे क्या बराबर हो चुका है, ओ बी, ओ बी बटा बी क्यू, ये देखिए ओ बी यहां से यहां तक अनुपात ओ बी बटा बी क्यू, ओके और इधर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में ये वाला जो त्रिभुज बना है ऐसे नीचे ऐसे, देखिए ये वाला त्रिभुज, ओके तो इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर देखिए जब इसका भुजाओं का अनुपात बराबर है ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी समानांतर क्यों हो जाए, क्यों आर हो जाएगा, किसके अनुसार, तो थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से
क्या सिद्ध करना था हम लोगों को, तो ये वाला बीसी समानांतर क्यू आर प्रूव, यही तो साबित करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू अब हम लोग यहाँ पे सातवें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन सात नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लोगों ने इसको 9th क्लास में भी सॉल्व किया था और यहाँ भी परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए इसको यहाँ से सिद्ध कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो इसके दूसरी भुजा के समांतर एक तीसरी भुजा खींचा गया है डी। ओके, देखिए ये पहली भुजा ए बी हो गया और दूसरी भुजा बी सी हो गया, तो दूसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा डी खींचा गया है, तो मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब कि तीसरी भुजा को मध्य बिंदु में दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है आपका, मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो आपका पहला भुजा हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा भुजा, तो ये जो भुजा है इसी को हम लोगों को दर्शाना है कि समद्विभाजित करती है। मतलब आधा इधर, यही आधा हो गया और आधा इधर बांट देगा। यह जो ई बिंदु है मध्य बिंदु हो गया, और मध्य बिंदु क्या करता है, एई बटा इसी दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब हम लोगों को सिद्ध करना है एई बराबर इसी, यही सिद्ध कर देना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया है ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु, क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी का मध्य बिंदु डी है। ओके, तो इसीलिए जब ए बी का मध्य बिंदु डी है तो मध्य बिंदु क्या करता है, ए डी बराबर बी डी हो जाएगा, ये दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए डी बराबर बी डी। चलिए ये चीज हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे डी समानांतर दिया है बी सी के, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे तथा डी समानांतर बी सी। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चलिए सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है वह चीज लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर बिंदु ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है ई एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अर्थात अर्थात ए बराबर ई सी। जब मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांट देगा, ए बराबर ई सी, यह चीज साबित करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि सबसे पहले दिया क्या है, देखिए डी समानांतर बी सी दिया, तो यह चीज लिखेंगे चूंकि डी समानांतर बी सी है इसलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार। चलिए यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6.1 प्रमेय किसका है, 6.1 थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब आगे देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है,
डी समानांतर बी सी है तो ये जो भुजाओं के अनुपात है इधर वाले भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए डी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए बटा ई सी। चलिए रखते हैं, ए डी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए बटा ई सी। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पर ए डी बटा बी डी लिख देंगे। चलिए ए डी बटा बी डी, देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए डी बराबर बी डी है, ओके, मध्य ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो ए बी ए डी बराबर बी डी निकाले हैं, तो यहाँ पर बी डी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं ए डी, और ए डी के जगह पर बी डी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ए डी है तो क्या रख देंगे, बी डी रख देंगे, और बी डी बटा में देखिए बी डी है तो बी डी ही रखेंगे, बराबर इधर देखिए ए बटा ई सी है तो रख देंगे ए बटा ई सी, और ये बी डी से बी डी कट जाएंगे एक मरतबे। तो चलिए ई सी एक कम क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा यहाँ से, और बराबर ए ही, ओके, तो यहाँ पर ई सी बराबर आ गया ए ही। चलिए तो यही तो हम लोगों को साबित करना था, ई सी बराबर ए ही साबित करना था, इसी को सीधा करके लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं सीधा करके, देखिए ये बी डी एकम बी डी, बी डी एकम बी डी कट गया, ए ही में एक से गुना करने पर ए ही, और ई सी एकम ई सी, तो ए ही बराबर क्या आ गया, ई सी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आता कि ए सी को सम द्वि भाजित करता है, प्रूव, यही तो साबित करना था हम लोगों को। चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका 8 नंबर, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, तो कक्षा 9 में भी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ भी आप लोगों को 10th में भी सॉल्व करना है प्रमेय 6.2 के अनुसार, ओके, और 9th में हम लोग दूसरे तरीका से किए थे। तो आइए क्वेश्चन आप लोगों को समझा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, ओके, और इसमें देखिए ए बी का कोई मध्य बिंदु है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं ई, ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, और ए सी का कोई मध्य बिंदु है यहाँ पर, इसको एफ मान लेते हैं हम लोग, डी पर से क्या आता है ई मान लेते हैं, चलिए डी ई, ओके। तो कह रहा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होता है वह किसके समांतर हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाता है, तो यह जो डी है किसके समांतर हो जाएगा, बीसी के, यही हम लोगों को साबित करना है यहाँ पे, ओके, अर्थात डी समानांतर साबित कर देना है बीसी, ये वाला भुजा इसके समांतर। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आपको दिया क्या है, यह 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो चीज लिखेंगे दिया है यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए बी के मध्य बिंदु है डी, ओके, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए देखिए जब मध्य बिंदु है तो इतना ए डी बराबर हो जाएगा बी डी, मध्य बिंदु क्या करता है दो बराबर भागों में बांट देता है, तो ए डी जो है बी डी के बराबर हो जाएगा, ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ए डी बराबर बी डी। अब देखिए यहाँ पर ए डी बराबर बी डी है, गुना में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, और एक को इधर रोक लेंगे, बी डी है गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो ए डी बट्टा क्या आ गया यहाँ पे, बी डी आ गया,
बी डी आ जाएगा यहां से नीचा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर इसमें और क्या दिया है, तो देखिए ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे हम लोग ई एसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एई बटा ईसी हो जाएगा, एई बराबर ईसी हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब एई बराबर ईसी हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे एई बराबर ईसी। देखिए इसमें हम लोग गुना में एक लिख सकते हैं क्योंकि छुपा रहता है। अब यहां से क्या कर देंगे, तो एक को इधर रोकिएगा, इसी है गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में लिख देंगे यहां से इसी को। समीकरण सेकंड, अब लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से। तो प्यारे बच्चों समीकरण एक और दो का देखिएगा, तो राइट हैंड साइड दायां पक्ष में समीकरण एक में क्या है, एक है, और समीकरण दो में भी एक है, तो राइट हैंड साइड बराबर रहता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बराबर हो जाएगा, ए डी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए बटा ईसी के, ए बटा ईसी। तो चलिए यहां पर ये दोनों बराबर हो गए सब, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या आ गया, एडी बटा बी डी बराबर ए बटा ईसी, एडी बटा बी डी बराबर आया है ए बटा ईसी। तो यहां पर लिख देंगे थेल्स के विलोम से, थेल्स इसीलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम क्या कहता है, तो देखिए यहां पे कहता है अगर भुजाओं के अनुपात बराबर हो, एडी बटा बी डी इधर वाले भुजा ए बटा ई सी के अनुपात के बराबर हो, तो वह क्या होता है, डी समानांतर बी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे डी ई समानांतर बी सी। ओके, यही तो हम लोगों को साबित करना था यहाँ पे, प्रूफ। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए ये कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने के जो भुजाएं होती है, कोई एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होता है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और इसका जो विकर्ण है यहाँ पे ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ओ बिंदु हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो यहाँ पर कोई तो त्रिभुज तो दिया नहीं है कि हम लोग वहां पे थेल्स के विलोम का प्रयोग करके चाहे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके साबित कर दे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को खुद से कुछ रचना करना पड़ेगा। देखिए इधर वाले त्रिभुज में ये यहाँ से ए बी डी में ऊपर वाला त्रिभुज ऐसे यहाँ से रचना करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग इसको रचना करते हैं, थोड़ा सा क्या रचना करेंगे, तो यहाँ से डी ई ओ ई रचना करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह क्वेश्चन नंबर 9 है आपका,
दिया है, क्या दिया है? तो यहां पर दिया है ए बी समानांतर सी डी, ए बी जो है सी डी के समांतर है। अब यहां पर तो हमें सिद्ध करना है, जो चीज सिद्ध करना है उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए क्या सिद्ध करना है वह चीज हम लोग लिख लेते हैं। तो एओ बट्टा बीओ, ए ओ बट्टा बीओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। यह तो इतना दिया है, रचना हम लोग क्या किया है वह लिखेंगे हम लोग रचना। तो रचना में देखिएगा तो हम लोग ओ से ओई एक रेखा खींचा, ओ से ओ ई एक रेखा खींचा। चलिए जो किसके समांतर है, देखिए यहां से इसको खींचने का मतलब है यह जो है इसके समांतर हो गया, ये वाला सी डी के समांतर वही हो गया। तो यहां पे लिखेंगे जो ओ ई समांतर, इसलिए ओ ई समानांतर है सी डी। तो चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं परमेय 6.1 के अनुसार परमेय 6.1 क्या कहता है, अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो तो यहाँ पे अनुपात बराबर हो जाता है, AE बटा D बराबर हो जाएगा AO बटा CO के। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे AE बटा DE, देखिए इस वाले त्रिभुज में ADC में ऐसे देखिएगा ऐसे त्रिभुज बना है ये वाला। तो इसमें देखिए ईओ समानांतर है सी डी, तो क्या हो जाएगा ए बटा डी एओ बटा सी ओ बराबर हो जाएगा ए बटा डी बराबर हो जाएगा एओ बटा सी ओ। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर है सी डी, ए बी समानांतर दे रखा है सी डी के, और यहां पर देखिए वही समानांतर है सी डी, तो सी डी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं वही रख सकते हैं। ओके तो यहां से या क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए देखिए यहां पर ए बी है तो ए बी तो लिखेंगे समानांतर। अब देखिए सी डी का मान क्या है, सी डी का मान वही है तो यहाँ सी डी के जगह पर क्या रख देंगे वही। ओके चलिए यह हो गया आपका, तो यहाँ पर ए बी समानांतर वही आ गया, तो लिखेंगे प्रमेय, चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है ए बी समानांतर वही है, यह जो ए बी है वही के समानांतर है। त्रिभुज किस में, देखिए ए बी डी में ये वाला त्रिभुज, ऐसे ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये वाला, ठीक है। तो ए बी समानांतर वही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी बट्टा ए डी ओ बट्टा बी ओ। चलिए तो यहां पे लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर आप लोगों को लिख देते हैं। चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, डी बटा ए बराबर हो जाएगा डी ओ बटा बी ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे, चलिए यहां पर समीकरण सेकंड नहीं मानेंगे,
क्योंकि यहाँ पर उल्टा है समीकरण एक में, ए बटा डी है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, ए को ऊपर कर देंगे और डी नीचे आ जाएगा, इसी तरह बीओ ऊपर चला जाएगा और डीओ नीचे आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम से उल्टा करने पर। ओके, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या समीकरण सेकंड, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए अब यहां से लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, तो समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा ए बटा डी है और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ए बटा डी है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण एक और दो से एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ, लेकिन यह तो हम लोगों को लाना नहीं था, क्या सिद्ध करना था, तो हमें सिद्ध करना था एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो यहां पर चलिए यहां से हम लोग क्या कर देंगे, ये बट्टा में है बराबर की उस पर चला जाएगा ऊपर गुना में, तो चलिए ये बट्टा में है सीओ तो चला जाएगा ऊपर गुना में और बीओ है ऊपर तो आ जाएगा नीचे बट्टा में, और नीचे तो डीओ है, देखिए कुछ नहीं किए है, यहाँ पर डीओ है ऊपर आ गया नीचा, सीओ है नीचा चला गया ऊपर। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ गया एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ, प्रूफ यही तो साबित करना था। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके लास्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण पृष्ठ पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, यहाँ से तो चलिए यहां से चतुर्भुज हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं हम लोग एक समलंब चतुर्भुज है, फिर यहां से इसका विकर्ण बी डी और यहां से ओ सी, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब यहां से रचना करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको बनाने के लिए रचना करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखते हैं, दिया है देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, तो उसमें दिया है एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ, तो हमें सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है। अर्थात देखिए समलंब यह तभी होगा जब यह जो एबी है भुजा एबी इसका सीडी के समांतर हो जाएगा, तभी जाकर के यह जो है समलंब हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम किसी भी तरह इसको एबी समांतर सीडी दर्शा देते हैं तो यह ऑटोमेटिक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एबीसीडी एक समलंब है, अर्थात एबी समांतर सीडी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रचना किए हैं उसको लिखेंगे, रचना ओ से वही रेखाखंड खींचा जो, चलिए यहाँ पर लिखेंगे ओ से वही रेखा खंड खींचा, इसीलिए यहां पर देखिए इस वाले त्रिभुज में बी सी डी में ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो त्रिभुज है बी सी डी इसमें वही समानांतर है सी डी। ओके, तो यहां पे लिखेंगे वही समानांतर सी डी,
तो जब वही समानांतर सीडी है तो यहाँ पे हो जाएगा बीओ बटा डीओ बराबर बी बटा ईसी, लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ बराबर बी बटा ईसी। चलिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, लिखेंगे चूंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, तो यह चीज लिखेंगे एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लाना है बीओ बटा डीओ, समीकरण दो के बराबर लाना है, तो चलिए डीओ नीचा है बराबर के इस पर आ जाएगा ऊपर, और बट्टा में बीओ है और एओ ऊपर है चला जाएगा बराबर के इस पर में बट्टा में यानी कि नीचा एओ। देखिए कुछ नहीं किया है, यहां पर एओ के जगह पर डीओ चला गया है, ओके, और डीओ के जगह पर एओ चला गया है। तो देखिए यहां पर एओ के जगह पर डीओ लिख दिए है और डीओ के जगह पर एओ लिख दिए है, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, चलिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, फिर समीकरण दो मानते हैं, लिखेंगे और यहाँ पर देखिए क्या है, समीकरण एक में बीओ बाटा डीओ है और इसमें डीओ बाटा बीओ है, तो इसको उलट देंगे, ऊपर के नीचे चला जाएगा और नीचे के ऊपर चला जाएगा, यानी कि बीओ ऊपर चला जाएगा और डीओ नीचे आ जाएगा। फिर यहां से इसको भी उलट देंगे, एओ ऊपर चला जाएगा सीओ नीचे आ जाएगा, ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, तो समीकरण एक का बाएं पक्ष देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है बीओ बटा डीओ, और समीकरण दो का भी बीओ बटा डीओ है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर रहता है तो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक और दो से बीई बट्टा ईसी बराबर हो जाएंगे एओ बट्टा सीओ। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, बीई बट्टा ईसी और इसमें एओ बट्टा सीओ, यह चीज आ गया। तो यह तभी संभव हो पाएगा इस वाले त्रिभुज में एबीसी में, ऐसे देखिए ये वाला त्रिभुज एबीसी वही समानांतर हो गया बीसी के, एबी के, बी बटा ईसी एओ बटा ओसी तभी संभव है जब वही समानांतर हो एबी के। तो लिख देंगे यहां से प्रमेय 6.2 के अनुसार, क्या हो जाएंगे यहां से, तो ए बी समानांतर ओई हो जाएगा, ए बी समानांतर ओई। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या है ओई समानांतर है सी डी के, यानी कि ओई के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, सीडी रख सकते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ओई के जगह पर क्या रख देंगे, सीडी रख देंगे, तो यहाँ पे ओई है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, सीडी, क्योंकि देखिए ओई समानांतर है सीडी, ओके, ओई के जगह पर हम लोग सीडी रख सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी है, ए बी उतार दिए और ओई के जगह पर क्या रख दिए, सीडी रख दिए। तो यहाँ पर आपका आ चुका है ए बी समानांतर सीडी, अतः एबीसी एबीसीडी एक समलंब है, यही तो प्रूव करना था। प्रूव यही तो साबित करना था। तो इसी के साथ में हमारा यह जो प्रश्नावली 6.2 है समाप्त होता है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6.3 करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।